यह बात है करीबन नवंबर 1969 की। तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से अमेरिका में बैठे नासा के साइंटिस्ट भी घबरा गए। इस घटना ने विज्ञान जगत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि आधुनिक विज्ञान ने जो विज्ञान की ऊपर किताबें लिखी है उसे फिर से लिखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 1969 की बात है। पूरा तिरुमला क्षेत्र पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा था। सूखे की स्थिति बन चुकी थी। तिरुमला पहाड़ी पर पीने के पानी की कुएं भी सूख रहे थे। गोगार्भन जलाशय का जलस्तर भी तेजी से घट रहा था। मंदिर प्रशासन कड़े निर्णय लेने पर मजबूर था। तीव्र जल संकट से पूरा तिरुमला क्षेत्र बहुत परेशान था। तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी PVR के प्रसाद ने तुरंत तिरुमला में चल रहे जल संकट से निपटने के उपाय पर चर्चा करने के लिए अपने इंजीनियर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इंजीनियरों ने अपने हार मान लिए और बदले में मंदिर अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा, तिरुमला मंदिर के टैंकों और जलाशयों में अभी बहुत कम पानी के भंडार है जिन्हें केवल बहुत सीमित समय के लिए ही परोसा जा सकता है। सभी ने सुझाव दिया कि पानी की खपत पर अधिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। किसी ने मंदिर में आने वाले दैनिक तीर्थयात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया, लेकिन प्रसाद इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। PVR के प्रसाद ने श्री उपुल लोढ़ी गणपति शास्त्री से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। श्री उपुल गणपति शास्त्री 80 वर्ष के आयु के एक संत व्यक्ति थे और उन दिनों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के सलाहकार थे। उन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वे बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार प्रसाद को सलाह दी कि इस विपत्ति को दूर करने के लिए वरुण जाप अनुष्ठान करना होगा। प्रसाद ने यह अनुष्ठान कराने का निर्णय लिया, परंतु अनुष्ठान प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती थी। प्रसाद जानते थे कि भगवान वेंकटेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी अनुष्ठान करना मुमकिन नहीं है। तो प्रसाद ने भक्ति भाव से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रणाम किए और उनसे प्रार्थना की, हमें दिव्य अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाए। फिर एक नवंबर 1969 की मध्य रात्रि को एक चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। रात्रि में पूजा करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। कोई भी व्यक्ति मंदिर में मौजूद नहीं था। तभी रात्रि 1 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में लटकी विशालकाय कांस्य घंटियां अपने आप ही बजने लगी। उस दिव्य ध्वनि से पूरा तिरुमला क्षेत्र गूंज उठा। प्रसाद जी यह जान गए थे कि अब भगवान ने अपनी अनुमति दे दी है तो इस संकट को अब दूर किया जा सकता है। इस घटना के तुरंत बाद अनुष्ठान कराया गया। आसमान खुल गया था और भारी बारिश होने लगी थी। उस भारी बारिश ने कई घंटों तक पूरे तिरुमला में पानी भर दिया। बाद में जब PVR के प्रसाद अपने कार्यकाल में स्थिति की निगरानी कर रहे थे, इंजीनियर्स दौड़ते हुए आए और उन्होंने PVR के प्रसाद से कहा कि सर, गोगार्भन जलाशय बह रहा है, यानी यहाँ इतना पानी हो गया है कि अब ओवरफ्लो हो रहा है। दोस्तों, इस खबर से पूरा विज्ञान जगत हिल चुका था, यहाँ तक कि खुद नासा भी, क्योंकि जहाँ मौसम विभाग द्वारा यह कहा गया था कि पूरे तिरुमला क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों के कुछ नियमों को अपनाकर पंडितों ने वरुण जाप किया और भक्तों ने बालाजी में श्रद्धा दिखाए और सूखे में जाने वाला क्षेत्र पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुका था। इस मंदिर के क्षेत्र को छोड़कर और कहीं भी पानी नहीं बरसा। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य कर देने वाली बात है। दोस्तों, ये है तिरुपति बालाजी की महिमा। अगर आप भी बालाजी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय तिरुपति बालाजी।